हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये सीरीज का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने दो पार्ट देख लिए थे, जिन्होंने वो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी जाती है। और अगर आप और जो पीडीएफ अवेलेबल चाहते हैं कि सर हमें और पीडीएफ चाहिए, तो आप studymasterofficial.com विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और आपको परचेज स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं 9896160956 पर, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ एससीओ। इन नीचे दिए गए में से कौन सा एससीओ का मेंबर नहीं है। एससीओ की फुल फॉर्म है सिंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बाकी तीनों कंट्रीज के मेंबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट, डब्ल्यूटीओ बेसिकली प्रमोट्स, तो डब्ल्यूटीओ किस चीज को प्रमोट करता है। चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए कि डब्ल्यूटीओ किस चीज को सपोर्ट करता है। दैट इज मल्टीलेटरल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स आर टर्म्स एसोसिएटेड विद, जो ट्रिप्स है और ट्रिम्स है ये किस चीज से एसोसिएटेड टर्म्स हैं। दो टर्म्स दी गई हैं, चलिए बताइए किस चीज से एसोसिएटेड टर्म्स हैं। तो ये डब्ल्यूटीओ से ये रिलेटेड हैं ये टर्म्स। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आप श्योर शॉर्ट एग्जाम बूस्टर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट, वेयर इज द नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट लोकेटेड। वेयर इज द नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट लोकेटेड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पहले भी आया हुआ है, तो इसको जरूर याद रख लीजिए, भूलना नहीं है। दैट इज तेलंगाना। इन विच स्टेट वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया, तो नालंदा यूनिवर्सिटी किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है। दैट इज बिहार। द नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, द नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये। चार ऑप्शंस दिए गए नीचे, आप लोग देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। IMF के लिए नीचे दिए गए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, और देख लीजिए चार ऑप्शन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, चारों स्टेटमेंट को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। इट कैन ग्रांट लोन्स टू ओनली मेंबर कंट्री, तो ये सिर्फ अपनी मेंबर कंट्रीज को ही लोन देती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इंडिया के अंदर। दैट इज AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल। चलिए ये बताइए ये कब फॉर्मेशन हुई थी, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, ये मैंने पहले भी लेक्चर के अंदर बताया हुआ है। As required by WTO agreement, the Indian Patent Act was amended in the year 1999. The Act first came into force in the year. तो ये Act सबसे पहले कब आया था force के अंदर, तो चलिए चार options दिए गए नीचे, आप लोग अपना answer जरूर नीचे comment कीजिए। That is 1965. और फ्रेंड्स, मैं आपको 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप लोग नोट डाउन करते रह कीजिए कि हाँ मुझे इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। कई स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मतलब कि यार सही स्टूडेंट्स हैं, वो कमेंट करते हैं कि सर मेरे 27 क्वेश्चन ठीक हैं, किसी के 40 क्वेश्चन भी ठीक होते हैं। और इसकी पीडीएफ अगर आप पहले मतलब कि वीडियो देखने से पहले अटैम्प्ट करना चाहते हो, तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं पीडीएफ टेलीग्राम में, वहाँ पर जाकर आप लोग एग्जाम बूस्टर के नाम से GK एग्जाम बूस्टर 200 क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड करके पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दीजिए, फिर आप आकर वीडियो देख लीजिए और आप आंसर देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क, तो इनमें से सार्क की कौन सी मेंबर कंट्री नहीं है। तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा, ये क्लरिकल मिस्टेक है। चार ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर, दैट इज म्यांमार सार्क की मेंबर कंट्री नहीं है। द कैपिटल ऑफ IMF इज मेड अप कंट्रीब्यूशन ऑफ द सार्क, द कैपिटल ऑफ IMF इज मेड अप बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ द सार्क। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आंसर नीचे जरूर कमेंट कीजिए आप लोग। दैट इज मेंबर नेशंस। हु वॉज द ओनली इंडियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, कौन से सिर्फ इकलौते हैं जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेजिडेंट इलेक्ट किए गए थे, आपको इसके बारे में पता जरूर होना चाहिए। दैट इज विजयलक्ष्मी पंडित। द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इंडिया इज लोकेटेड इन, द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इंडिया इज लोकेटेड इन, तो कहाँ पर है ये लोकेटेड, नीचे कमेंट करके आप लोग बताइए। दैट इज पुणे।
द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो इनमें से दी गई सिटीज में से कहाँ पर है, दैट इज इन न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए हमारे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग www.studymasterofficial.com पर जा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे वीडियोस लेक्चर देख सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री पीडीएफ के लिए, वहाँ पर सभी अपडेट्स दी जाती हैं, वीडियोस की अपडेट वहाँ पर दी जाती है, क्लास की अपडेट्स वहाँ पर दी जाती हैं। लाइव क्लास की टाइमिंग फ्रेंड्स 6 से 7 मॉर्निंग हो गई है और शाम को जो है 7 से 8 लाइव क्लास की टाइमिंग्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, नीचे दिए गए पेयर्स में से कौन सा करेक्टली मैच किया गया है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए और उसके बाद आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। साउथ सूडान 193rd मेंबर ऑफ यूएनओ, तो सिर्फ और सिर्फ ए इसका आंसर है, ये करेक्टली मैच किया गया है। मैच द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, आप 4 ऑप्शंस को देखिए एक बार पढ़िए, यूएनईपी, यूएनआईसीएफ, आईएएफए, यूएनआईडीओ। चलिए आप एक बार क्वेश्चन को रीड आउट जरूर कर लिया कीजिए, इसे आप ही का बेनिफिट है। एंड राइट आंसर इज 2413, तो ये करेक्टली मैच है, आप लोग देख लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशन एजेंसी हैज गिवन ए मेंबरशिप टू द पैलेस्टीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशन एजेंसी हैज गिवन ए मेंबरशिप टू द पैलेस्टीन, 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, तो बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा है, दैट इज यूनेस्को। नेक्स्ट द फ्रेंच लेडी क्रिस्टाइन लगार्ड हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ, तो जो फ्रेंच लेडी थी क्रिस्टाइन लगार्ड, ये किसकी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट की गई थी, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, दैट इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करो। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि सर यहाँ पर हम आंसर हम बता रहे हैं, फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि इसके आपको आंसर भी आए, तो एक लेक्चर सीरीज चल रही है जनरल अवेयरनेस, उसके अंदर फ्रेंड्स आपको सारे फैक्ट्स जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसके अंदर कवर करवाए जाते हैं। जनरल अवेयरनेस की लेक्चर सीरीज है, 5 बजे शाम को डेली लेक्चर अपलोड होता है, वो जरूर देख लिया कीजिए, उसके अंदर आपके सारे डाउट्स कवर किए जाते हैं, सारे फैक्ट्स क्लियर किए जाते हैं, आपके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है फैक्ट्स उसमें नहीं बचेंगे, वो सारे वहाँ पर कवर किए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए वीडियो होती है, उनको प्रैक्टिस कर लिया कीजिए, क्योंकि जब हम अकेले बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो शायद हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है। ये क्या होता है 15 से 20 मिनट की वीडियो थी, चल भी हाँ देख लेते हैं 15-20 मिनट की वीडियो है, और साथ में हमारे 50 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, म्यांमार विल लेड द एशियन इन ईयर 2014, एशियन वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1987 इन बैंकॉक, इंडिया इज द मेंबर ऑफ सार्क एंड एपेक, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं और 3 के आगे फिर जो है स्टेटमेंट्स 4 बन गई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है म्यांमार विल लेड द आसियान एंड इन द ईयर 2014। लॉन्च्ड रिसेंटली बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ACES इज ए, तो ACES क्या है, 4 ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, दिस इज सर्विस डेस्क डिवीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ फॉर कलेक्शन ऑफ सर्विस टैक्सेस, दैट इज ACES। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर एक लिस्ट है, यहाँ पर दूसरी लिस्ट है, उसको आपस में मैच करना है, आप एक बार यहाँ पर रोक कर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, राइट आंसर है 3412। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ी सी क्लेरिकल मिस्टेक है, ओके दिस इज स्काई बस मेट्रो रेल रेस्ट, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ITC पेपर बोर्ड यूनिट दिस इज सेकेंड ऑप्शन, दिस इज बायोडीजल प्लांट दिस इज थर्ड ऑप्शन, एयरफोर्स अकेडमी दिस इज फोर्थ ऑप्शन, एंड दिस इज द राइट जिसका मैचिंग का स्टेटमेंट है, देख लीजिएगा, तो थोड़ी सी क्लैरिकल मिस्टेक है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर भी। विद रेफरेंस टू द इंडियन रेलवे जोन्स एंड देयर हेडक्वार्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इनमें से जो रेलवे जोन्स है उनके हेडक्वार्टर के साथ कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, दैट इज साउदर्न रेलवे सिकंदराबाद, ये करेक्टली मैच नहीं है, बाकी तीनों करेक्टली मैच हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द ग्लोबल ऑटोमेटिव रिसर्च सेंटर बींग सेटअप, ग्लोबल ऑटोमेटिव रिसर्च सेंटर कहाँ पर सेटअप किया गया है, यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, देख लीजिएगा, दैट इज चेन्नई के अंदर किया गया है, और चेन्नई बताइए किस राज्य के अंदर है, चेन्नई
ए न्यू ग्रुप ऑफ कंट्रीज कॉल्ड बेसिक इज फ्रीक्वेंटली मैंशन इन द न्यूज़, विच वन ऑफ फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो बेसिक ये कौन सी कंट्रीज के बारे में बात की जा रही है, बेसिक जो ग्रुप है ये कौन सी कंट्रीज का है ये जो न्यूज के अंदर है, दैट इज अर्जेंटीना इसके अंदर नहीं है, बाकी तीनों कंट्रीज के अंदर है। इन विच स्टेट इट इज फेमस तवांग मोनेस्ट्री लोकेटेड, तवांग मोनेस्ट्री कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है एग्जाम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश। विच इन विच स्टेट द राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट लोकेटेड, इन विच स्टेट राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट लोकेटेड, तो कौन सी जगह पे लोकेटेड है, दैट इज इन तमिलनाडु। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज तो बताइए क्या चीज़ है, ह्यूमन राइट ग्रुप्स है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल। वेयर इज बुंदाला बायोस्फीयर रिजर्व, विच हैज बीन वेयर बीन रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को मैंस एंड बायोस्फीयर नेटवर्क लोकेटेड, तो ये कहाँ पर है बुंदाला बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ पर है जो अभी एम ए बी के अंदर मैन एंड बायोस्फीयर के अंदर इसको अभी ऐड किया गया, यूनेस्को का जो प्रोग्राम है उसके अंदर इसको ऐड किया गया है, दैट इज इन श्रीलंका, याद रख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान, तो आसियान का नीचे दिए गए कंट्रीज में कौन सा मेंबर कंट्री नहीं है, दैट इज बांग्लादेश। नेसत इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट, नेसत किसकी पार्लियामेंट का नाम है, बहुत बार ये क्वेश्चन तो यार बहुत बार आया हुआ है, इसराइल का एसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है और बाकी एग्जाम्स के अंदर भी ये पूछा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री वाज द अर्लीस्ट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट, सबसे पहले वुमेन्स को, हु अमंग द फॉलोइंग कंट्री वाज अर्लीस्ट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट, राइट टू वोट किस कंट्री ने दिया वुमेन्स को, बताइए आप लोग अगर आपको में से किसी को पता है तो, दैट इज न्यूजीलैंड। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिलियन सिटीज, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिलियन सिटीज, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिलियन सिटीज इज इन, तो कहां पर है वो, चार ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, दैट इज इन एशिया। Which one of the following military alliance has not been disbanded? Which one of the following military alliances has not been disbanded? That is NATO. चलिए बताइए NATO की formation कब हुई? What is the total membership of the Commonwealth? Commonwealth के total कितने members हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए। India इसका part है या नहीं? ये भी बताइए। 54 members हैं। India is part or not Commonwealth का part है या नहीं है? चलिए नीचे कमेंट करके बताइए। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन लोकेटेड, कहाँ पर है ये इसका हेडक्वार्टर, वो है जिनेवा के अंदर। जिनेवा कौन सी कंट्री में है कमेंट कीजिए। फ्रॉम विच यूरोपियन पावर डिड इंडोनेशिया विन इट्स इंडिपेंडेंस अबाउट सिक्स डिकेड एगो, फ्रॉम विच यूरोपियन पावर डिड इंडोनेशिया विन इट्स इंडिपेंडेंस अबाउट सिक्स डिकेड एगो, तो जो है इंडोनेशिया कौन सी यूरोपियन पावर से जो इंडिपेंडेंस इंडोनेशिया को मिली थी, कौन सी यूरोपियन पावर से, चार ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को दिए गए हैं बताइए, दैट इज फ्रॉम डच। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिस्ट दी गई है, लिस्ट वन लिस्ट टू, आप उसमें मैच करके देख लीजिएगा और आंसर नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, राइट आंसर है बी। द मोस्ट फेमस कार्टूनिस्ट बेस्ड इन गोवा हु डाइड रिसेंटली, ए मोस्ट नोटेबल पर्सनैलिटी ऑल्सो इन इट फील्ड लिटरेचर म्यूजिक स्पोर्ट्स, वट इज द नेम ऑफ दैट पर्सनैलिटी, तो वो कौन सी पर्सनैलिटी थी, वो थे मरिनो मिरांडा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, लिस्ट वन लिस्ट टू है, देख लीजिए यहाँ पर दो लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट को एक बार स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ दीजिएगा इन लिस्ट को, और जो राइट आंसर दैट इज सी 1324। नेक्स्ट, ताओसिच इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ताओसिच इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो आपको पता होना चाहिए, इसका भी आसान सा क्वेश्चन है, आयरलैंड। चलिए, भारत ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आयरलैंड से हमने क्या कुछ बोरो किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आयरलैंड से हमने क्या बोरो किया है, नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, कौन से करेक्ट मैच किए गए हैं, लिस्ट वन लिस्ट टू, गोपीनाथ मुकुंद मैजिशियन इकोनॉमिस्ट राइटर, और इधर पर्सनैलिटीज के नाम है, इधर उनका जो है प्रोफेशन है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए नीचे, इसमें जाके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर इज सी, पहली दो बिल्कुल ठीक है, अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट, गोपीनाथ मैजिशियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द फॉर्मर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर एच डी गोविंद गौड़ा वाज द कन्फर्ड विद देवराज हिर्स अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड. मिस्टर गोविंद गौड़ा इज ऑल्सो नोन एज, तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनका दूसरा नाम क्या है, दैट इज मलंद गांधी. चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन से करेक्टली मैच इसके अंदर किए गए हैं. चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, तो इनमें से सभी जो है करेक्टली मैच यहाँ पर किए गए हैं. हु वॉज पॉल सैमुअलसन, हु वॉज पॉल सैमुअलसन कौन थे, फर्स्ट अमेरिकन टू विन नोबल इन इकोनॉमिक्स. पॉल सैमुअलसन याद रख लीजिए. मैच द फॉलोइंग, फिर मैच द फॉलोइंग है, देख लीजिए यहाँ पर लिस्ट वन पर्सन है, यहाँ पर फील्ड है, कौन सा पर्सन किस फील्ड से जो है जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है बी 3412, देख लीजिएगा आप लोग. निरपा ओखला सेकेंड क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन विच इज इंडिया विल गेट फ्रॉम रशिया हैज रीनेम्ड एज इन इंडियन नेवी, तो इसको इंडियन नेवी में क्या नाम दिया गया है, निरपा ओखला टू को जो हमने रशिया से बोरो की है, तो उसका क्या नाम रखा गया है, INS चक्रा. जी सैट 12 लॉन्च बाय PSLV C-17 फ्रॉम श्रीहरिकोटा इज ए डैश सैटेलाइट, तो वो कौन सी सैटेलाइट है जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च की गई है, दैट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट, PSLV C-17, INS शिवालिक एंड INS सतपुरा, तो ये क्या है, INS शिवालिक एंड INS सतपुरा, ये दोनों क्या चीज़ें हैं, इंडिजीनियस स्टेल्थ फ्रेगरेट्स है ये, इंडिजीनियस स्टेल्थ फ्रेगरेट्स. नेक्स्ट, डैश इज द एडवांस वर्जन ऑफ अर्जुन इन इंडिया मेन बैटल टैंक, तो जो मेन बैटल टैंक अर्जुन का एडवांस वर्जन कौन सा है, जो बैटल टैंक है इंडिया के अंदर उसका एडवांस वर्जन कौन सा है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, दैट इज अर्जुन मार्क सेकेंड इज द एडवांस वर्जन ऑफ अर्जुन. चलिए फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं, 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे. वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, और सभी जितनी भी सीरीज चल रही हैं उन सीरीज के आपको डेली लेक्चर्स मिलते हैं चैनल पर, डेली अगर आप देखा कीजिए डेली आपको 3 या 4 लेक्चर मिलते हैं फ्रेंड्स, तो जरूर देखा कीजिए, और कोई भी डाउट करिए आप लोग पूछ सकते हैं, डेली दिन में 1 या 2 लाइव क्लासेस जरूर होती हैं. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ हो.